तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी गेम के 10 फैक्ट जो शायद ही आपने सुने होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। कॉल ऑफ ड्यूटी गेम को रोज इतने लोग खेलते हैं कि अगर उन्हें एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए ना तो वह दुनिया के सबसे बड़े 80 स्टेडियम को भर देंगे। और अब तक 100 मिलियन से भी अधिक लोग इस खेल को खेल चुके हैं। और यदि इन सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर एक देश बनाया जाए तो उस देश की आबादी जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम से भी अधिक होगी। 21 अप्रैल तक कॉल ऑफ ड्यूटी श्रृंखला ने 400 मिलियन से भी अधिक आजीवन यूनिट की बिक्री की, जिससे यह दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एक वीडियो गेम फ्रेंचाइजी भी बन गई। जब आप कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर पबजी गेम खेलते होगे तो उसमें आपको एक कार मिलती है। कभी कभार क्या करते हैं, उस कार को लोग जला देते हैं या फिर गोलियों से उस कार को ब्लास्ट कर देते हैं। तो दोस्तों क्या आप जानते हो कि अब तक कॉल ऑफ ड्यूटी में कितनी कारों को ब्लास्ट किया जा चुका है? अब तक कॉल ऑफ ड्यूटी में 5 अरब कारों को नष्ट किया जा चुका है, जो बहुत ही बड़ी संख्या है। दोस्तों क्या आप जानते हो कि कॉल ऑफ ड्यूटी किस देश का गेम है? यह एक अमेरिकन गेम है। इस गेम का पब्लिशर, मतलब जिसने इस गेम को पब्लिश किया है, वह एक्टिवेशन है। एक्टिवेशन एक अमेरिकन वीडियो गेम पब्लिशर है और उसका मुख्यालय सांता मोनिका, कैलिफोर्निया, अमेरिका में स्थित है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1979 को हुई थी। इस फैक्ट को सुनो, ये फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस वर्ष कॉल ऑफ ड्यूटी फ्रेंचाइजी ने प्रमुख कैरेक्टर की आवाज़ के लिए हॉलीवुड और ब्रिटिश अभिनय प्रतिभा के एक मेजबान को चित्रित किया है और वो है ब्रेंडन राउत। वही ब्रेंडन राउत जिन्होंने सुपरमैन रिटर्न्स में सुपरमैन का रोल किया था। जब सुपरमैन यहाँ है तो फिर बैटमैन भी तो यहाँ होना चाहिए ना भाई। तो माइकल कीटन जिन्होंने बैटमैन का रोल किया था और सैम वर्थिंगटन जिन्होंने अवतार मूवी में अहम भूमिका निभाई थी, इन दोनों ने ब्लैक ऑप्स 2 के लिए अपनी आवाज़ दी है। क्या आप जानते हो कि कॉल ऑफ ड्यूटी की एक दिन की कमाई कितनी है? हाल ही में ये पुष्टि की गई थी कि 2021 में प्लेस्टेशन कंसोल पर कॉल ऑफ ड्यूटी की बिक्री $1 बिलियन से भी अधिक थी। द वर्ज के अनुसार सोनी से संशोधित दस्तावेज से ये पता चला है कि उस अकेले US में प्लेस्टेशन राजाओं के लिए कॉल ऑफ ड्यूटी की कीमत $800 मिलियन थी और विश्व स्तर पर यह $1.5 बिलियन थी। और $1.5 बिलियन कितना होता है ये आप खुद ही देख लो। मूल कॉल ऑफ ड्यूटी 29 अक्टूबर 2003 को जारी की गई थी और श्रृंखला में नवीनतम के पीछे एक ही स्टूडियो इन्फिनिटी वार्ड द्वारा विकसित किया गया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के ऊपर आधारित था। मेक संस्करण और एक्सबॉक्स लाइव और PCN ने 2009 में डाउनलोड के लिए HD संस्करण की पेशकश की। एक्सबॉक्स 360, PS3, YU, PS4 और PC के लिए उपलब्ध है। यह 9 नवंबर को एक्सबॉक्स ऑन पर भी हिट होगा और इसकी रिलीज बेहद सफल फ्रेंचाइजी की 10वीं वर्षगांठ है। क्या आप जानते हो कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 वर्तमान का अब तक सबसे तेजी से बिकने वाला गेम है। मॉडर्न वॉरफेयर 3 की लॉन्चिंग के पहले महीने में ही 8.8 मिलियन प्रतियां बिकी और इसी के साथ इसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो दोस्तों ये थे वो 10 फैक्ट जो शायद ही आपको कॉल ऑफ ड्यूटी के बारे में पता होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।